आपने कराची यूनिवर्सिटी से एम इकोनॉमिक्स किया फिर आपने पी की इन द सेम सब्जेक्ट। उसके बाद आपने अपना एक पॉलिसी थिंक टैंक भी शुरू किया विच वॉज़ फंडेड बाई द कनेडियंस एंड सेटअप इन कराची yeah. उसके बाद आप अपने शहर मोहतरम के साथ अमेरिका भी गई उस दौरान ये यू में थे और आपने कंसल्टेंसी वहाँ की आपका हमारे साथ तारफ और लिंक उस वक्त बना जब आप रिजर्वड सीट पे 2013 में पंजाब असेंबली में आई और फिर यू बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर इन द पंजाब अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ शाहबाज़ शरीफ साहब हफीज पाशा साहब आपके साथ तो बहुत ही पुराना ताल्लुक है अगर मेरा नहीं तो मेरे शौहर का तो है यकीनन तो आप बता सकते हैं व्हेन यू मेट बात यह है कि सेठी साहब जब हुए मेट <laughs> वो आप को हैरत होगी ये उस वक्त का है जब हम सब अंडर ग्रेजुएट्स थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा आपस में देर वज लॉट ऑफ यूनिटी और मुझे इस बात की बेपना खुशी है कि उसी वक्त हम सब ने देखा था कि सेटी में क्या टैलेंट्स हैं एंड ही हैज़ सर्टनली डेमोस्ट्रेटेड हिज टैलेंट्स ओवर द लास्ट मैनी ईयर Well, um, I also recognized his talents, which is why I married <laughs> him. But much later than उसके बहुत बाद आप लोगों की तो मलाखात मेरा ख्याल है late 60s में हुई थी। If we were together in the late 60s in uh, at, you, the University of Cambridge. Which college were you at? I was at Trinity. Okay, so he was at Clare. Clare. And you were both economists. Absolutely. And you both did very well. मैंने सुना है कि उस साल उन्होंने भी top किया और आपने भी माशाल्ला मैंने uh, Trinity से टॉप Uh, इससे पहले महबूबुल हक साहब ने hmm. उनको फर्स्ट एट uh, मिली थी और उस ज़माने में फ़र्स्ट लेना एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इकोनॉमिक्स वॉज अ बिग थिंग और उसके बाद नजम सेठी साहब ने भी वही uh, मैार हासिल किया और डॉक्टर हफीज़ पाशाह ने भी डॉक्टर साहब यू हैव सिंस देन बीन इन्वाल्व विद मैनी गवर्नमेंट्स समटाइम्स एज एडवाइज़र फिर कभी आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और आप यू में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं मैं तो ले पर्सन हूँ मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं हमारी मीशत को क्या हुआ है डॉक्टर साहब बात दरअसल ये है कि पॉलिसीज़ के लिहाज से पाकिस्तान ने अपने जो रिज़र्व्स हैं उनको सलीके से नहीं संभाला और बरामदात को हद से ज़्यादा बढ़ने दे दिया और उसके नतीजे में अब आपको हैरत होगी एक वक्त ऐसा था तकरीब तीन साल पहले जब हमारे रिजर्व्स सत्रह अरब डॉलर थे 2021 की बात है और माशाल्लाह रिजर्व्स अच्छे हो गए थे मगर उसके बाद में हमने धड़ाधड़ खर्च कर दिए किस चीज़ पे ख़र्च किया ज़्यादातर होता ही है पाकिस्तान में जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होते हैं और करेंसी मस्तकम होती है तो जो अमीर तबका है पाकिस्तान को उनको मौका मिल जाता है इसके बाहर की चीज़ें तो वही ख़रीद सकते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जिन घरानों को बाहर से पैसे मिलते रहते हैं रेमिटेंसेस वग़ैरह उनके हालात तो बेहतर हो जाते हैं और बाहर से पैसा आता है यकीन वो कुछ इजाफा करते हैं ख़र्चों में दूसरी तरफ हमारे जो ज़मींदार हैं जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास सौ एकड़ की ज़मीन है माशाल्लाह उनके कंडीशंस बहुत अच्छे तो हैं वो कितने लोग रह गए हैं पंजाब में तो ओवर द लास्ट थ्री और फोर डेकर जब पहले भुट्टो साहब ने असलाहत कि उससे पहले अयूब खान साहब ने असलाहत की बट भुट्टो साहब की असलाहत के बाद पंजाब में और फिर उसके बाद बतदरीज क्योंकि शरिया के बिना पे ज़मीन बढ़ती चली जाती है यहाँ पर तो बड़े ज़िम्मेदार बहुत कम रह गए हैं पंजाब में बात तो आप बात किसकी कर रहे हैं? पंजाब है? में देखिए अभी भी पंजाब में जो आपके बड़े ज़मींदार हैं तकरीबन पचास हज़ार से ज़्यादा हैं और एक एक ज़मींदार के पास इस वक्त साढ़े चार सौ से पाँच सौ एकड़ एवरेज ज़मीन है और एक फ़ीसद हमारे ज़मींदार पंजाब के उनके पास बाईस फ़ीसद ज़मीन है और ये पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं और इससे बुरा हाल जो है वो बलूचिस्तान में है और सिंध में सिंध में कुछ बेहतर है मगर पंजाब से थोड़ा ख़राब है सबसे बेहतर हालात फ्रंटियर में है खैबर पख्तनखवा में तो अब हुआ यह है कि जब गाड़ियों की सेल बढ़ जाती है जब खाने पीने के अशा की चीज़ें बढ़ जाती हैं इम्पोर्ट और फिर आप जो हैं एक्ज़ोटिक एक्सपेंसिव चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्यूपमेंट एल, मोबाइल फ़ोनस वग़ैरह इसमें इजाफ़ा जब होता है तो उससे आपका जो बरामदा का बिल है वो बढ़ जाता है वो चीज़ें हम खुद क्यों नहीं बना पाए सत्तर पचहत्तर साल में बाकी ममालिक में भी खर्चे होते हैं लेकिन वो खुद अपनी गाड़ियाँ बनाते हैं वो खुद अपने मोबाइल फोन बनाते हैं ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है हम हमने कोशिश भी की थी मैं एक ज़माने में वज़ीर था तो इंजीनियरिंग बोर्ड जो था वो मेरे अंडर था तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि हम कोशिश करेंगे कि इनको गाड़ियों को पाकिस्तान में बनाने की कोशिश करेंगे तो मैंने एक बड़ा मुनासिब सा कदम लिया था कि जो हम इंपोर्ट की ड्यूटी लेते हैं बनी हुई गाड़ियों पर उसको बहुत कर दिया था और जो पार्ट्स के तौर पे आते हैं लॉकडाउन उसके ड्यूटी बहुत कम कर दी थी अब सुजुकी वगैरह इस तरह की गाड़ियों की असम्बलियाँ हो रही हैं मगर पाकिस्तान को और करना है और वैल्यू एड करना है हम क्यों नहीं उस आलमी धारे में शामिल हो सके जहाँ पर जैसे हिंदुस्तान है कि हम बुनियादी तरक्की करते और हमें इम्पोर्ट्स वगैरह पे इतनी रिलायंस ना होती खुद का फील क्यों नहीं है हम हम इस वक्त पाकिस्तान में चौबीसवें आई एम प्रोग्राम पे हैं आईएमएफ प्रोग्राम में मुल्क कब जाते हैं उस वक्त जाते हैं जब उनकी इंटरनेशनल इन्फ्लोस यानी जो, या जो दरामद हो रही है जो पैसे हम मिल रहे हैं उनको डॉलर्स में वो कम हैं और जो उनके अखराजात हैं डॉलर्स में वो ज़्यादा हैं तो उनके पास डॉलर्स नहीं हैं अब रुपए तो हमारे पास आदत हैं हम जाते हो जाके स्टेट बैंक से कहते हैं रुपये बना दो जब हमारे पास बजट डेफिसिट ज़्यादा हो मज़ीद छाप दो छाप दो हम बज... बट हम डॉलर छाप नहीं सकते तो हमें क्या करना पड़ता छाप सकते तो छाप लेते कर लेते यकीनन, <laughs> यकीनन। लेकिन क्योंकि हम ऐसा कर नहीं सकते तो हम आईएमएफ के पास जाते अब आप सोचिए जरा जब सिस्टमेटिकली चौबीसवा प्रोग्राम अब चल रहा है तो हम एज ए नेशन कैसे आगे बढ़ लें हम अपने कतई तौर पर सोच समझ के नहीं कम कर रहे घर का खर्चा नहीं चलता डॉक्टर साहबा अगर आमदन से ज़्यादा अखराजात हो हाँ तो कब तक आपको क्या करना पड़ता है आपको बॉर करना पड़ता है इस वक्त आपकी बॉरोइंग जो है वो आपकी तकरीबन सेवेंटी सिक्स परसेंट ऑफ़ योर इनकम जी डी पी आपकी तो डेट पे है और मैं आपको और कुछ एक छोटी सी और बात बताऊँ इस वक्त जो हम अपना रेवेन्यू रेस करते हैं यानी जो हम टैक्सेस से चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो जितना भी हम रिसीट्स करते हैं उससे हम लगभग सिर्फ अपने कर्जा जात वापस कर पाते हैं जो उस पर डेट्स इंटरेस्ट पेमेंट होती है कर्जा जात का सूद वापस कर पाते हैं कर्जा जात तो नहीं, वापस नहीं करते कर हम। पाते हम सूद, पे, सूद और थोड़ा सा जो रीपेमेंट का कंपोनेंट है वो कर पाते बाकी का सब जो है वो जाते हैं और बोरो करते हैं गवर्नमेंट में सैलरी देते हैं जो अखराजात करने होते हैं वो अखराज करते लगभग हम वो मुल्क हैं जो कर्ज़े पे जी रहे और ये एक दिन एक हुकूमत की गलती नहीं है ज ने भी कुछ बुनियादें ऐसी हिलाई हमारी फिर उसके बाद सेवेंटीज का डेट देखें आप एट्टीज में हम कह रहे हैं वो बहुत अच्छा हो रहा है उसने भी हमारी क्योंकि उसने कंजम्पन लोगों को ऐसे खर्चे की आदतें डाली हैं डॉलर ड्रिप जो लगी हुई थी जी उस जमाने में अयूब खान के जमाने में बाजू में डॉलर ड्रिप लगी हुई थी हक के जमाने में डॉलर ड्रिप Absolutely. लगी हुई थी मुशरफ के ज़माने में डॉलर ड्रिप तो ये डॉलर ड्रिप मसनू होती है जब उनके मफादात होते हैं तो डॉलर ड्रिप लग जाती है और फिर उसके बाद हम विड्रॉल में चले जाते हैं कर, बिल्कुल डॉक्टर साहब ये आप जरा जो डॉक्टर साहबा ने फरमाया है मैं यहाँ पर आपको ले जाना चाह रही हूँ इब्तदा से बताइए कि ये सार जो आवे सारे काबाई बिगड़ गया ये किसने बिगाड़ा कौन सी क्लासेस थी जिन्होंने बिगाड़ा कौन सी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से हम पटड़ी से उतरे हमारे यहाँ के जो शरफा हैं वो बहुत ही बड़ा हिस्सा मुल्क की आमदनी और मुल्क का जो सरमाया वगैरह वो उनके हाथ में है और बेशुमार उन्होंने अपने लिए मारात हासिल किए हुए हैं इसमें कौन सी क्लासेस हैं इसमें सबसे पहले तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो अमीर तबका है आपके ज़मींदारी तबका फिर आपके जो जो सीनियर जो मिलिट्री के जो बड़े आपके सीनियर लोग हैं और तीसरा जो है वो आपके जो सरमायादार हैं और बिज और बड़े बड़े दुकानदार वगैरह और सीनियर इन्फ्लुन्शल ब्यूरोट्स ये है आपका अशराफिया अशराफिया रूलिंग एलीट आपकी ये रूलिंग एलीट ये है और हुआ ये है कि चूंकि उनके हाथ में पॉलिसी मेकिंग सारी है तो उन्होंने अपने लिए बेशुमारात टैक्सेस के निज़ाम में सब्सिडीज में खर्चों में हर तरह के बेनिफिट्स हासिल किए हुए हैं इस पर हमने किताब भी लिखी है यूनाइटेड नेशंस की रिसेंटली मैं आपको एक फिगर दूंगा तो आपको हैरत होगी कि ये जुमरात और फायदे हमने पहुंचाए हैं इन्होंने अपने एक लिहाज से तबके को तकरीब साढ़े चार हजार अरब अब आप ये सोच साढ़े चार हजार अरब, अरब। अब आप ये सोचिए कि हम अपने गरीब तबके के लिए जिनका नंबर जो है आपको सुन के हैरत होगी आज पाकिस्तान में 110 सौ दस मिलियन लोग यानी कि 11 करोड़ लोग पाकिस्तान के करीब हो चुके हैं पावर्टी अंडर और आप ये सोचिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अल्लाह के okay. फजल से बहुत अच्छा और टारगेटिंग भी बहुत अच्छी उस पर हम कितना खर्च कर दे, पैसे देते हैं सिर्फ 460 अरब और जो फ़ायदे हम वहाँ पहुँचा रहे हैं वो इससे तकरीबन 10 गुना दस गुना ज़्यादा ये है निज़ाम में जो डिफेक्ट है अल्लाह के फजल से जब मैं बस दुआ करता हूँ कि एक वक्त ऐसा आए कि प्रोग्रेसिव निज़ाम की तरफ हम आगे बढ़ें और जो हासिल हो उससे अपने गरीब तबका को उठाने की कोशिश करें डॉक्टर हफीज़ पाशा ये रिफॉर्म कौन करेगा ये अशराफिया जो रूलिंग एट है ये कुर्बानी देने पे कब आमादा होगी और जो आप फरमा रहे हैं उससे तो ये नज़र आता है कि न सिर्फ़ इकॉनमी बल्कि पॉलिटी भी इस अशराफिया ने हाईजैक कर ली है तो ये बदलें क्यों जी पॉलिटी पहले की ताकि इकॉनमी पर छा जाए आज पाकिस्तान में जो हमारे नौजवान हैं और उनमें से जो नौजवान बेचारे बेकार हैं आइडल जिसे कहते हैं जिनको बेरोजगार बेरोजगार, बेरोजगार हैं और भी कुछ रहे। कुछ तो बेचारे थक गए हैं और उन्होंने बस एक कोने में जाके बैठ गए जब किसी मुल्क में आइडल यूथ और बेचारे नौजवान कुछ ना कर पाए आपको पता है कितने हैं हैं ऐसे नौजवान इस वक्त मुल्क में करोड़ दो करोड़ दो तो हाँ, यहां पर तो पर पॉलिसी मेकर्स कहते कि जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है यूथ बल्ज यूथ तो है बल्ज है मगर वो बल्ज इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है बेकार है डॉक्टर साहब एंड ट्रेस हिस्ट्री जो इन्होंने डायग्नोसिस किया है उससे तो हम सबको इतफाक है बिल्कुल लेकिन ये शुरू कैसे हुआ ये बिगाड़ इसकी जड़ कहाँ है ताकि हम एक तारीख का पस मंजर भी अपने नाजरीन को दे सकें प्लीज़ देखिए मैं आपको एक बुनियादी प्रॉब्लम बताऊं हम जब ग्रोथ करते हैं इस इकोनॉमी में साढ़े पांच परसेंट छः परसेंट होती है उसके फौरन बाद आप देखती हैं तीन तो चार साल के बाद क्रैश होता बिल्कुल है बिल्कुल क्रैश हो जाता है वो क्यों होता है क्योंकि हम एक्सप कंजम्शन बूम लेकर आते और वो मसनू होती वो है वो मसनू होता है इम्पोर्ट्स उसकी वजह से बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पाते हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता हम क्रैश लैंडिंग हो जाती है वो जहाज की जो चलता है ये सिस्टमेटिकली हो रहा इस वक्त हमको चाहिए था शुरू में हम अपनी इकॉनमी को सही स्ट्रक्चर करते कैसे सही स्ट्रक्चर करते देखिए तो बात यह है कि पाकिस्तान को आगाज़ से जमहूरीत की तरफ जाने में बड़े मुश्किल आता है। 1947 आज़ादी मिली जवाहरलाल नेहरू वज़ी अजम बने मोहम्मद अली जनाद अजम साहब गवर्नर जनरल बने उन्होंने इकतदार संभालते ही खोड़ो साहब की हुकूमत थी सिंध में उसका खात्मा किया फिर डॉक्टर खान साहब की हुकूमत थी फ्रंटियर में उसका खात्मा किया और एक किस्म का डायरेक्ट रूल शुरू हो गया ऐसे ही है मेरे ख़्याल से वो उस वक्त वो बात इतनी समझ में नहीं आई थी ये सिलसिला उस वक्त हुआ है जब आपका आगाज हुआ 58 में माशा के उससे तब्दीली आने लगी और वक्तन वक्तन माशा आते रहे हैं देखिए उनकी जस्टिफिकेशन रही उन्होंने अपनी फाइनेंसिंग भी बड़ी सलीके से की अफगानिस्तान वॉर से सब ने फ़ायदा उठाया है 1947 आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान में पहला इकोनॉमिक फाइव ईयर प्लान दिया उन, उनकी उसकी एक बुनियाद लैंड रिफॉर्म थी यस yes. पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ ये आपका बड़ा अहम सवाल और पॉइंट ऑब्जरवेशन है देखिए पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स इसलिए बिगिनिंग से रजिस्ट किए गए कि यहाँ भी बहुत पावरफुल जमींदार रहे जिनका रोल ब्रिटिश राज में यह था कि देर सपोर्टेड थी तो हिंदुस्तान में राजे महाराजे थे उनके पास तो स्टेट्स थी स्टेट्स थी मगर उनके पास जो फर्क ये था कि उनका जो शेयर है वो कंपैरेटिवली कम था हमारे यहाँ स्टेट फॉर्म हमारे यहाँ तो देखिए बात यह है कि जब भी कोशिश की गई लैंड रिफॉर्म की तो उसको बुटो साहब का जो हशर हुआ है तो ये देखिए हमारे यहाँ अब मैं ये कहूँगा कि लैंड रिफॉर्म से ज़्यादा अब जो बड़ा मसला है वो डेमोक्रेसी इफेक्टिव ना होने का है